झामुमो के दो विधायकों पर भाजपा के संपर्क में होने का आरोप। नमस्कार आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं सूरज कुमार। झामुमो के अंदर राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। पार्टी विधायक सीता सोरेन और लोबिन हेमब्रम पर भाजपा के संपर्क में होने का आरोप लग रहा है। दोनों ही विधायकों की शिकायत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से की गई है। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोनों विधायकों की गतिविधियों की जानकारी दी गई है। पार्टी के एक दर्जन से अधिक विधायकों ने इनकी शिकायत पार्टी नेता शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से की है। शिकायत करने वाले विधायकों का कहना है कि ये दोनों विधायक लगातार संगठन विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, मंत्री पद का दिया जा रहा है ऑफर। शिकायत करने वाले विधायकों ने पार्टी शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि सीता सोरेन और लोबिन हेमब्रम द्वारा पद और पैसा का प्रलोभन दिया जा रहा है। विधायकों ने बताया कि श्रीमती सोरेन और श्री हेमब्रम कह रहे हैं कि पार्टी के कई विधायक अलग गुट बनाने के लिए सहमत हैं, इसमें कांग्रेस के भी कुछ विधायक शामिल हैं। आप भी मुहिम में साथ दें, विधायकों से सही समय का इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। क्या कहा विधायक सीता सोरेन ने, मैंने पार्टी विरोधी कुछ कार्य नहीं किया है, जो सही है वह जरूर कहती हूँ, जनता सब देख रही है, गलत होता है तो आवाज़ उठाती हूँ, अगर शिकायत की गई है तो भी सबने यह रो रो कर लिखा होगा, अंदर से सब दुखी हैं। सरकार गिराने की साजिश का आरोप गलत है, हम अपना काम कर रहे हैं, जो लोग सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं वही मुझ पर आरोप भी लगा रहे हैं। क्या कहा विधायक लोबिन हेमब्रम ने, मैं सरकार और संगठन के खिलाफ नहीं हूँ, स्थानीय नीति लागू करने की बात कर रहा हूँ। सरकार ने जो वादा किया था, चुनावी घोषणा पत्र में कहा था, उसमें 1932 के खतियान की बात थी, उसे लागू करने की बात कह रहा हूँ। हम कहाँ पार्टी और सरकार का विरोध कर रहे हैं, अपनी सरकार में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। मैं भाजपा के संपर्क में नहीं हूँ, मैं झारखंड के लोगों के संपर्क में हूँ। अभी के लिए बस इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।